नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डी सुनील, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, आज आपको कुछ एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जिसे हम लो बैक पेन कहते हैं, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, जो कि सामान्य दिनचर्या में सबको प्रभावित करता है। इसके बारे में हम ये नहीं जानेंगे कि डॉक्टर के पास जाने के पास क्या करना है या कैसे डॉक्टर की सलाह के पश्चात हमें इससे बचना है। आज हम ये जानेंगे कि डॉक्टर के पास जाने के पहले, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हमें ना पड़े तो ये बीमारी हमें कैसे लग सकती है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, हम गलतियाँ क्या करते हैं और इसे हम डॉक्टर के पास जाए बिना अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लो बैक पेन जो है ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में डॉक्टरों के पास जाने के लिए पाई जाती है। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, अर्थात जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य को एक ना एक बार पीठ का दर्द, कमर का दर्द की एक बार शिकायत जरूर होती है। ये नॉर्मली आपके चेस्ट, जो रिब केज होते हैं, पसलियों के नीचे से शुरू होती है और नीचे जहाँ तक हम बैठते हैं, जो लंबर रीजन है, वहाँ तक जाती है। पेन कई बार इतना ज़्यादा होता है कि आप अपना काम भी छोड़ देते हैं, बट ये पीठ का दर्द या कमर का दर्द अपने आप भी बेटर हो सकता है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। और यदि ये नहीं होता है तो इसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल होता है। लक्षण क्या होते हैं, लक्षणों को हम यदि देखें तो ये बहुत ही मीठे दर्द के रूप में भी शुरू हो सकता है और कई बार जैसे चाकू लगती है उतना तेज दर्द भी होता है और कई बार करंट की तरह भी आपको ये दर्द पता चल सकता है। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आप चलना फिरना या मूवमेंट करना भी बंद कर सकते हैं और एक्यूट रूप में बहुत तेज़ी से यदि दर्द शुरू होता है तो ये दर्द कई बार आपके चोट या किसी खेल कूद या किसी एक्सीडेंट या कोई हैवी सामान उठाने के बाद शुरू हो सकता है। नॉर्मली यह दर्द 3 महीने के अंदर रहता है तो एक्यूट कहते हैं और 3 महीने के बाद जब होता है तो हम इसे क्रॉनिक कहते हैं। कुछ जो रेड लाइट एरियाज हैं, कहना चाहिए जो रेड सिग्नल्स हैं, वो हमें पहचानना आना चाहिए कि यदि कोई चोट के बाद, गिरने के बाद यदि हमारे पास कोई दर्द की समस्या शुरू होती है तो उसे, या फिर यदि आपके यूरिन, पेशाब में या लैट्रिन करने में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो, या आसपास यदि मोटापन, भद्दापन शुरू हो रहा है आपके ग्रॉइन एरिया में या आपके पैरों में तब, या फिर पैरों के मसल्स में कमजोरी शुरू होती, पैरालिसिस जैसा शुरू लगता है आपको तो, बुखार आता है और यदि खांसने के साथ में यदि आपका पेन बढ़ता है, छींकने के साथ में पेन बढ़ता है तो इन सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें और इसे जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को जरूर जाके दिखाएं। इसके अलावा यदि आपका दर्द किसी पुरानी बीमारी जैसे कैंसर या फिर लंबे समय से वजन कम हो रहा है आपका, या फिर लंबे समय की कोई दवाई जैसे स्टेरॉइड है ये यूज़ कर रहे हैं, या कोई कंटिन्यूस इंजेक्शंस लगते हैं, या फिर आपका कोई इम्यून सिस्टम पहले से ख़राब हो तो आपको, या केवल आप रेस्ट कर रहे हो उसके बाद भी आपका दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, तब इन सभी अवस्थाओं में आपको अपने डॉक्टर के पास में तुरंत जाना चाहिए। मसल स्ट्रेन या स्प्रेन क्या होता है और सियाटिका क्या होता है, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि लोग सियाटिका बोल देते हैं किसी भी कमर के दर्द को, पीठ के दर्द को। तो जब एक कोई भी दर्द जो है बहुत हैवी वेट उठाने के बाद में या फिर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने के बाद में जब होता है तो ये नॉर्मली मसल स्प्रेन जैसा होता है, बट कई बार ये जो होता है ये जो दो हड्डी के बीच में गद्दी होती है जो डिस्क कहते हैं वो खिसक जाती है या बल्ज हो जाती है या पॉप कर जाती है जिसके कारण से होता है, और ये डिस्क जाके आसपास के जो नसें हैं जो पैरों के लिए जाती है उसको दबाव, उस पर दबाव उत्पन्न करती तब जाके सियाटिका जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो नस जब दबती है तो ही उसे सियाटिका कहा जाता है, अर्थात यदि कमर में दर्द हो रहा है और उसके साथ आपके पंजों में, पैरों में या फिर कूल्हों के नीचे यदि दर्द रेडिएट हो रहा है, करंट की तरह पास हो रहा है तो ही उसे सियाटिका कहा जाता है।
बैक पेन के कल्प्रिट्स क्या हैं, अर्थात इसके कारण क्या होते हैं, जिसके लिए कुछ कुछ बहुत कॉमन सी चीज़ें जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें यदि आपका कोई ऐसा जॉब है जो आप रेगुलर करते हैं, जो आप ऐसी नौकरी है, ऐसा कोई काम है डेली का जिसमें आपको हैवी वेट उठाना होता है, खींचना होता है, और या फिर ट्विस्ट होके घूम के आपके कमर से आपको कोई चीज़ें करनी होती है रेगुलर, और खींचना हो या उठाना पड़े ट्विस्ट होने के साथ में, तो आपको कमर दर्द होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और वैसे भी यदि आप डेस्क में बैठे रहते हैं, टेबल कुर्सी वाला जॉब है आपका, तो भी आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके कारण से आप धीरे धीरे ना एकदम झुक के बैठना शुरू करते हैं, तन के बैठना छोड़ देते हैं, तो इससे भी आपका कमर दर्द बढ़ सकता है। दूसरा कल्प्रिट होता है आपका बैग। जो भी आप बैग लेके जाते हैं, पर्स लेके जाते हैं, बैकपैक है या फिर ब्रीफ केस है, सूट केस लेके जाते हैं, यदि आप शोल्डर पे लटकाते हैं, यदि ये बहुत हैवी होता है तो ये हैवी वेट शोल्डर पे नहीं आता, ये हैवी वेट एक तरफ टिल्ट होके फाइनली आपके लोअर बैक पे ही आता है, और इसके कारण से ये जितना एक्स्ट्रा बैग है, हैवी बैग है, वो आपके बैक की प्रॉब्लम को प्रोड्यूस भी कर सकता है और बढ़ा सकता है। तो कोशिश करें कि आप ये जो हैवी बैग, जो भी सूटकेस या ब्रीफकेस ले जाते हैं या बैकपैक को लोग एक साइड में जो लगाते हैं, उसकी बजाय आप बैकपैक प्रॉपर रखें और उसे बीच में पूरा दोनों शोल्डर पे टांग के पीछे की तरफ रखें, तो ये बहुत ही सुरक्षित तरीका होगा। दूसरा आपका वर्कआउट। सामान्यतः हम वर्किंग डेज में कुछ नहीं करते, लेकिन वीकेंड्स में, सैटरडे संडेज को हम बहुत ज़्यादा जिम में चले जाते हैं, या कोई लीजर एक्टिविटी जैसे गोल्फ खेलना या कोई रनिंग या साइकिलिंग सडनली हम करते हैं, तो जिसके कारण से आपके मसल्स जो होते हैं 5 दिन तक रिलैक्स रहते हैं, और सडनली उनको एक स्ट्रेस मिलता है काम करने का, एक्टिवेट होने का, तो उस समय भी आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को या तो अवॉइड करें या फिर आप कंटिन्यूसली 5 से 7 दिन एक्टिव रहें। इसके बाद कल्प्रिट होता है आपका पॉस्चर, आपके बैठने उठने का जो तरीका होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉमन है, क्योंकि ये जो समस्या है आपके पॉस्चर के कारण होती है। आपका पॉस्चर यदि प्रॉपर नहीं होता है तो इसके कारण से आप बेकार में अपनी कमर दर्द की समस्या को आमंत्रित करते हैं। आपको बचपन से सिखाया जाता है कि आप सीधे बैठें, सीधे खड़े रहें, आपको जो आपका बैक सपोर्ट होता है, यदि आप एकदम स्टाउट बैठते हैं, तन के बैठते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, लेकिन आप झुक के जब बैठना शुरू करते हैं तब ये परेशानी बढ़ जाती है। अर्थात यदि आपका बैक, जहाँ पे आप बैठते हैं चेयर में, यदि वहाँ पे प्रॉपर एक नीचे लोअर मोस्ट पार्ट में आप एक लंबर सपोर्ट, एक छोटा सा तकिया या टॉवल रखें, बैठते समय ये ध्यान रखें कि दोनों शोल्डर आपके कुर्सी के पीछे बैक रेस्ट पे टिके हों, और उसके बाद आपके पैर प्रॉपरली एक स्टूल पे रेस्ट करते हों, तब ये चीज़ें इस अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन जिसको हम बोलते हैं स्टाउट पोस्चर है, ये मेंटेन होता है। साथ ही जब आप खड़े होते हैं तब आप दोनों पैरों में आपका पैर का बैलेंस बराबर होना चाहिए, एक तरफ टिल्ट होके या झुक के खड़े होने से भी ये समस्या बढ़ जाती है। कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं बैक पेन के? तो जो लोग देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपने 30s की एज में बैक पेन को बिल्कुल फील करते हैं, कोई ना कोई रहते हैं, लेकिन वो लोग जिनका वजन ज़्यादा है, ओवरवेट हैं, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्टिविटी कम है जिनकी, और जो बहुत हैवी लिफ्टिंग का काम करते हैं, हैवी वेट वगैरह लिफ्टिंग पुलिंग या उसका, तो ये लोग बहुत हाई रिस्क में हैं इस पर। लेकिन यदि हम सिंपली देखें कि यदि बीमारी आपको हो जाती है, बैक पेन शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ में आपके एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है, बट ये डॉक्टर का काम है, हमें इसमें एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई पे कोई कमेंट और वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका बैक पेन सिर्फ लो बैक पेन है, जो सिंप्लीफाइड है, जो कि नॉर्मली 3 महीने में अपने आप सेटल हो सकता है, बशर्ते आप कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि आपके बैक को सपोर्ट करती, स्ट्रेंथन करती, हेल्प करती, तो ये चीज़ें होती है कि यदि ये केवल मसल स्ट्रेन की वजह से है, स्प्रेन की वजह से है, तो आप घर में ही अपना रेस्ट करके, या सिंपल रेस्ट इन द सेंस कि आप कोई हैवी जो आपके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उनको आप अवॉइड करने के साथ साथ घर में हीटिंग पैड जो इलेक्ट्रिक के आते हैं वो भी, उससे भी हीटिंग कर सकते हैं, और दूसरा गर्म पानी का जो थैला होता है उससे भी आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। हीटिंग पैड को हम ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें हीट बहुत समय में, कई बार उसमें ड्राई हीट होती है जो कि और आपका पेन या प्रॉब्लम बढ़ा सकती है, तो इसीलिए मॉइस्ट हीट का उपयोग करना चाहिए जो ज़्यादा फायदेमंद होता है।
दूसरा होता है आपका बेड रेस्ट करना है कि नहीं। तो बैक पेन के बाद में नॉर्मली बहुत सारे लोगों को ये मानना है, और कई डॉक्टर भी धोखे से कहिए बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, जो कि अब नए कंसेप्ट में बिल्कुल नहीं है। तो एक या दो दिन मैक्सिमम आप बेड रेस्ट कर सकते हैं, और उसके पश्चात आपको कहना चाहिए एक्टिव मोबिलाइजेशन स्टार्ट किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज़ आप लंबे समय तक बैक पेन के कारण यदि रेस्ट करते हैं, बेड रेस्ट करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती है, क्योंकि उससे मसल्स और वीक हो जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ेगी। तो एक्टिव मोबिलाइजेशन अर्थात ग्रेजुअली आपको एक्टिव हो जाना है, एक या दो दिन रेस्ट करने की ज़रूरत यदि पड़ रही है उसके पश्चात, अदरवाइज शुरू से आप एक्टिव हो सकते हैं हीटिंग से, स्ट्रेचिंग से, मसल एक्सरसाइज से। दूसरा आता है आपके बैक पेन को रोकने के तरीकों में योगा। यदि आपका पेन 2-3 महीने से ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे प्रूफ्स मिल चुके हैं कि यदि आप 3 महीने तक प्रॉपरली योगा करते हैं तो, और उस योगा का फ़ायदा आपको लंबे समय तक हो सकता है। तो जो लोग योगा नहीं करते हैं और जो लोग योगा करते हैं प्रॉपरली, तो उनको बैक पेन का क्लियर कभी भी जो तकलीफ़ है वो नहीं झेलनी पड़ती है, और इससे आप निजात पा सकते हैं। सो आप याद रखें, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 महीने योगा कर लिए तो वो लाइफ टाइम काम आएगा। यदि आप डिसिप्लिन्ड वे में, रेगुलर वे में, यदि आप नियमित रूप से योगा और एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं, तो आपका बैक पेन कभी आपको परेशान नहीं करेगा। दूसरा होता है मसाज थेरेपी। ध्यान रहे कि कुछ कोई ट्रेन मसाज करने वाला यदि आदमी आपके पास हो, जो कि जानता हो प्रॉपरली मसाज करना, उससे आप बिल्कुल मसाज करा सकते हैं। इससे भी आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, वहाँ पे हीलिंग होती है, और बहुत ही इससे फ़ायदा होता है। ऑयल मसाज इज़ द बेस्ट। लेकिन याद रहे कि कुछ जो अनपढ़ या क्वैक टाइप के लोग होते हैं, जो कहते हैं ना हड्डी चटकाना या फिर झटका देके जो मसाज करते हैं, इस तरह के का मसाज आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो ऐसा कोई भी मसाज ना लें, बहुत सॉफ्ट स्मूथली मसाज किया जाता है। और ये सारा मसाज जो होता है, याद रखें मसाज जो शब्द है वो मालिश से बना है। मालिश में ली निकाल दें तो बचता है मांस, तो मांसपेशियों की मालिश ही की जाती है बस, और किसी हिस्से की मालिश नहीं की जाती। हड्डी चटकाना, हड्डी तोड़ना, गर्दन घुमाना, इस टाइप की सारी चीज़ें आगे जाके परेशानी कर सकती है और तुरंत में भी परेशानी कर सकती है। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया आप मालिश के दौरान किसी अपने सलून में नाई से, या फिर गांव देहात में, या फिर कई लोग जो केवल सीखे होते हैं वो ऐसा बहुत लोगों को देखते हैं गर्दन चटकाना या जोड़ों को तोड़ना, इस टाइप की एक्सरसाइज कराते हैं या मसाज करते हैं, तो वो मसाज आप बिल्कुल अवॉइड करें, वो ना कराएं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैक, बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन ये ट्रेनिंग जो होती है ये लोअर बैक के लिए दो तरीके से होती है, एक फॉरवर्ड बेंडिंग जिसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, और बैकवर्ड बेंडिंग जिसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज का आपको नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें आपको स्पाइन के सामने फ्लेक्सर्स और पीछे एक्सटेंसर्स के रूप में दोनों तरफ सपोर्ट करती है, और दोनों की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सिंपल समझें कि आप स्टमक के भरोसे लेट जाएं, पेट के बल उल्टा लेट जाएं, और उसके बाद एक पैर को उठाएं और उसके बाद सामने से हाथ को उठा सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी एक्सरसाइज यदि आप शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यदि आपको कभी बैक पेन नहीं हुआ है तो आप रेगुलरली कर सकते हैं, लेकिन या तो प्रॉपर योगा टीचर, कोई ट्रेनर, या फिर डॉक्टर के परमिशन के बाद इसको शुरू करें यदि आपको कोई बैक पेन अभी या फिर नियर पास्ट में हुआ है, तो आप उसकी सलाह के पश्चात ही अपने बैक एक्सरसाइज को प्रॉपरली शुरू करें। बैक पेन को रोकने के लिए और एक तरीका जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपका वजन उठाने का तरीका क्या होता है। आप सबसे पहले तो अपने वेट को कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें। दूसरा, अपने जो भी हैवी वेट उठाना है, आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें ऊपर जो पिक्चर है उसमें दिख रहा है कि अपने वेट को सामने की तरफ झुका के वहाँ से हैवी वेट उठा रहे हैं, तो इससे आपके कमर में सिंपल है सीधा सीधा लोड आएगा। यदि आप पैर से बेंड होकर किसी भी हैवी वजन को उठाते हैं, तो ये फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करता, आपके बैक को नुकसान नहीं करता। लेकिन याद रहे, बहुत हैवी वेट को यदि आप घुटने बेंड करके भी उठाते हैं, तो घुटने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो मेक श्योर कि आपका तरीका इस तरीके का सही हो उपयोग करने का। दूसरा है कि आपका जो वर्किंग स्टेशन है, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर आपकी कोई भी पोजिशन जो मैंने पोस्चर के बारे में बताई है, वो कहीं आपके बैक पेन को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है, आपकी परेशानी को बढ़ाते नहीं है। कुछ और चीज़ें हैं जो कि सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है कि ये चीज़ें भी बैक पेन करा सकती है, जिसमें नींद प्रॉपर नहीं आना,
आपके चलने के तरीके से भी, यदि आप आड़ा टेढ़ा इम्बैलेंस वे में चलते हैं तो भी आपको बैक पेन शुरू हो सकता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि जिसके कारण से बैक पेन होता है। दूसरा, प्रीवियस ऑपरेशन जो बच्चों के लिए होता है, सिजेरियन सेक्शन जिसे हम कहते हैं, यदि उसके कारण, तो लेकिन इसमें सिजेरियन सेक्शन का या स्पाइन में जो इंजेक्शन लगाते हैं इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे हम विलेज सिनेरियो में देखें या इवन शहर के सिनेरियो में भी देखें तो ऑपरेशन के पहले या बाद में, प्रेगनेंसी के पहले या बाद में, लोग प्रॉपर अपने आसपास, पेट के आसपास और बैक के मसल्स के लिए रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, रिहेबिलिटेट नहीं करते, और उसके कारण से बैक पेन होता है। लेकिन बदनाम करते हैं कि हाँ डिलीवरी हुई उसके कारण से या फिर ऑपरेशन से बच्चे हुए उसके कारण से। तो ये ऑपरेशन से बच्चे हुए या डिलीवरी के कारण बैक पेन होना बिल्कुल संभव नहीं है, उसके प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं होते उसके कारण से आपका पेन होता है, तो ध्यान रहे। दूसरा, यदि आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उस समय आप झुक के बैठते हैं, कुर्सी में कंटिन्यूस बैठे रहते हैं, ये चीज़ आपको बैक पेन के रूप में सामने आ सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आपका पर्स बहुत मोटा है, वैलेट बहुत हैवी है, तो आप जब बैठते हैं कार में या फिर आप बाइक में या फिर इवन कुर्सी में, तो आप एक तरफ टिल्ट होके बैठते हैं, और जब आप टिल्ट होके बैठते हैं तो उसका स्प्रेन आपके स्पाइन में बिल्कुल आता है। तो बल्कि वॉलेट या तो ना रखें, या तो अपना वॉलेट या पर्स है वो उसे आप पीछे की बजाय सामने पॉकेट में रखें। स्लीपर जो होता है, चप्पल जो होता है, बहुत फर्म यदि प्रॉपर फिटिंग नहीं होता और बहुत लूज सा हम यदि पहनते हैं, फ्लिमसी यदि हम यूज़ करते हैं, तो उसके कारण से भी आपकी वॉकिंग स्टाइल चेंज होती है, वो भी बैक पेन बढ़ा सकता है। दूसरा, यदि आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं, हाइटेड हैं, दुबले पतले हैं, तो ये भी बैक पेन का एक बहुत रीज़न होता है, क्योंकि यदि हाइट आपकी बढ़ जाती है तो लिवरेज के कारण बैक मसल्स में लोड ज़्यादा आता है, और बैक मसल्स यदि सफिशियंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये बैक पेन का, पीठ दर्द का, कमर दर्द का कारण बनता है। दूसरा, एक और कॉमन रीज़न है कि टाइट पैंट्स पहनना, यदि कमर को बहुत कस के बांध दिया जाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो आजकल जीन्स के रूप में देखा जाता है, तो उसमें भी आपके कमर की दर्द की समस्या बढ़ सकती है। यदि आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी ये कमर दर्द को बढ़ावा दे सकता है। साथ में महिलाओं में खासकर जो रेगुलर जो मासिक होता है उसमें भी दर्द की समस्या होती है, तो आप जितना बेहतर एक्टिव रहेंगे, बेहतर एक्सरसाइज करेंगे, तो ये तीनों समस्या आपको नहीं होगी। अब आते हैं कि यदि हम अपने इन सारी चीज़ों को देख लिए, किसी को बैक पेन हो भी गया या नहीं भी हुआ, तो इसको बेहतर करने के लिए हमारे पास क्या है। तो इसके लिए अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आप अपने पोस्चर को बहुत यदि अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं तो फिर आपको बैक पेन होने की संभावना कम से कम हो जाती है। सो सबसे पहले बैक पेन को हटाने का सिंपल तरीका यह है कि आप झुक के ना बैठें, स्लाउच, डोंट बी स्लाउच, क्योंकि ये आपके स्पाइन में भी स्ट्रेस बढ़ाता है, आपके बोन मसल्स जॉइंट सब में स्ट्रेस बढ़ाता है, और लोजी पोजीशन जो होता है ये आपके बैक के लिए ख़राब है, और फाइनली आपके सारे इंटरनल ऑर्गन जो कि फेफड़े, फ्रंट में आपका स्टमक है, पेट है, इंटेस्टाइन है, इसमें लिवर, सबको स्मैश कर देता है, क्रश कर देता है, और इवन आपका फूड डाइजेशन इसमें स्लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइनली परेशान ही करती, इवन यदि आपको इनडाइजेशन भी होता है तो इससे भी गैस प्रोड्यूस होगी और वो फाइनली आपको बैक पेन करा सकता है। दूसरा होता है, आपको एकदम सीधा रहना है, सीधा बैठना है, स्टैंड टॉल। आप किसी न किसी तरीके से, यदि आप बहुत स्ट्रेट, जैसे एक शोल्डर, एक आर्मी का आदमी चलता है, एक आर्मी का शोल्डर चलता है, वैसा रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा, आपका लुक भी बेहतर होगा, स्लिम भी दिखेंगे, एंड आपका ओवरऑल ऑरा चेंज होता है इससे। एंड आप किस तरीके से खड़े हों, जैसे आप जब खड़े हों तो आपका हिप्स दीवार पर टच हो और दोनों शोल्डर दीवार से टच हो, सिर जो सिर का पिछला हिस्सा दीवार से, आप एक बार दीवार से खड़े होकर ऐसा चेक कर लें, और उसके पश्चात आप देखिए कि पूरे के पूरे आप दीवार से टिके हुए हैं, इस तरीके से आप टिके हुए हैं। दूसरा, दोनों कान आपके सेंट्रल में हो, जो कि बॉडी के सिंपल शोल्डर के जस्ट ऊपर आए और उसके थ्रू उसकी लाइन पास होगी। तो कुल मिला के आप यदि एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं और फाइनली आप एकदम बेली, अपना जो पेट है उसको भी टक इन करके रखें, तो दैट गिव्स अ वेरी गुड टॉल एंड स्ट्रेट पॉस्चर फॉर यू। और हमेशा याद रखें कि इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा भी कई लोगों को देखा है कि अपने हिप्स को पीछे की तरफ बाहर निकाल लेते हैं। योर बूटी और हिप्स इफ़ गोज आउट देन ऑल्सो इट क्रिएट्स अ मोर स्ट्रेस ऑन योर बैक। तो बहुत ज़्यादा हिप्स निकाल के बाहर चलना है, जो स्पेसिफिकली फीमेल या कैसे मॉडल लोगों में रहता है, तो यदि आप ऐसा करते हैं तो वो भी आपका
बैक पेन का प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। देन डोंट स्लंप योर डेस्क। आप अपने वर्किंग स्टेशन जो कुर्सी टेबल है आपका डेस्क है उस पर आप एकदम घुस मत जाइए, उसको आप बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, आपका पोस्चर बहुत अच्छा रखिए, वहाँ पे स्ट्रेट रखिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका लंबर कुशन पीछे होना चाहिए, आपके शोल्डर्स पीछे टच होने चाहिए और उसके साथ साथ आपके पैर बैलेंस वे में होने चाहिए ताकि आपका जो थाई है वो फ्लोर के पैरेलल हो और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। हिप से नी का लेवल जो है ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा, इस कंडीशन पे आप बैठ सकते हैं। सो दैट्स अ गुड पोस्चर। एंड इसके बाद याद रखिए कि आज की दुनिया में हम मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें आपका नेक स्पाइन अपर बैक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत एक फिक्स पोजीशन में रहते हैं तो इसके कारण से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एवरी 20-30 मिनट्स एक बार नेक को ज़रूर स्ट्रेच करें और ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करती है। और यदि ये धीरे धीरे जमा हो जाता है, यदि आप महीनों सालों उपयोग कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके बैक में स्पाइन में प्रॉब्लम ज़रूर ही ज़रूर आएगी। तो बेटर है आप मोबाइल को नीचे की तरफ रख के उपयोग ना करें, आई लेवल पर ला के उसे उपयोग करें, ना कि सिर झुकाएं। उससे बेहतर है अपने हाथ को ऊपर उठा के मोबाइल का उपयोग करें तो बेहतर है, और कम से कम उपयोग करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तीसरा है, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो उस समय भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आप, सबसे पहले बात, आप तो ड्राइविंग करते समय कूल और कंफर्टेबल रहें, ये एक रिक्लाइनिंग पोजिशन में, लेकिन रिक्लाइनिंग इतना भी ज़्यादा नहीं हो कि आपको बहुत पीछे जाना पड़े। तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा कम्फर्ट लेवल पर 10 से 15 डिग्री का सीट पीछे रिक्लाइन रहेगा, हाथ आपका पूरा का पूरा स्ट्रेट यदि करते हैं तो वो स्टीयरिंग पे सीधा आना चाहिए। जब आप पैर को पूरा सीधा करें तो जो फुट पैडल्स हैं आपके एक्सीलेटर हैं और जो ब्रेक और गियर, ब्रेक और क्लच पैडल हैं, वहाँ पे स्ट्रेच करने के बाद 1 से 2 इंच का एक्स्ट्रा लेग स्ट्रेच होना चाहिए, अर्थात आप जब पैर पूरा सीधा करें तो 1-1.5 इंच आगे जाए। तो इस कम कंडीशन पे यदि आप रहते हैं तो ये बहुत बेटर होता है। इसके साथ साथ आप चाहें तो एक पीछे की तरफ एक लोअर बैक सपोर्ट भी वहाँ पे लगा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया टू हैव अ वेरी गुड पॉस्चर ड्यूरिंग ड्राइविंग। इसके बाद आता है एक खास चीज़ जो कि शूज़ के बारे में, हाई हील्स का उपयोग करना बहुत ही बेकार है, ये आपके पंजों में, एड़ी में, घुटने में, हिप्स में और फाइनली लोअर बैक में बहुत गंदा असर डालता है। लॉन्ग टर्म में इसके बहुत बेकार इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 इंच का हील उपयोग कर सकते हैं, वो भी यदि आप फ्लैट शूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 इंच से ज़्यादा का यदि शूज़ आप यदि यूज़ करते हैं तो दैट इज़ हाई हील। और यदि कई लोग बहुत ज़्यादा स्काई हील जैसे 4 इंच 3 इंच से ज़्यादा का उपयोग करते हैं, आप मान के चलिए डेफिनेटली आपका पैर भी ख़राब होना, पैर के ऊपर जितने जॉइंट्स आ रहे हैं, पंजे, एंकल, नी, हिप जॉइंट और बैक पे पूरा गलत असर पड़ना और फाइनली आपको ये परेशान ही करेगा। तो इसको वंस इन अ वाइल कभी फेस्टिवल टाइम में या किसी फंक्शन के लिए आप रखें वो बेटर है। दूसरा है आपके सोने का तरीका। आपके सोने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोते समय आपकी गर्दन किधर जा रही है या आपका बेड कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैट्रेस आपका फर्म होना चाहिए और आप कभी भी सो रहे हैं, नैप टाइम है, पावर नैप टाइम है आपका, और या फिर फुल स्लीपिंग टाइम जो आपका नाइट आवर्स है उसमें, यदि आप स्लाइड में सोने वाले हैं, साइड स्लीपर हैं, तो आप कोशिश करें कि आपका जो पिलो है इतना ऊंचा हो कि आपका नेक स्ट्रेट रहे, ना कि अंदर जाके घुस जाए या सैग हो जाए या एक्स्ट्रा एलिवेट हो जाए। तो आप जब सो के एक बार देखें, चेक करें कि आपका नेक स्ट्रेट रहता है। दूसरा, उस समय आप नी भी बेंड कर सकते हैं और दोनों नी के आसपास भी आप पिलो रख सकते हैं। दूसरा, जो बैक स्लीपर्स होते हैं जो सीधा सीधा पीठ के बल सोते हैं, वो याद रखें कि उसमें आपकी पिलो की जो हाइट है वो कम हो जाएगी, 1 से 1.5 इंच से ज़्यादा पिलो की आपको ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती। और कोशिश करें कि पिलो आपका नेक के नीचे, शोल्डर के जस्ट ऊपर आके सपोर्ट करे ताकि आपका नेक अनसपोर्टेड ना हो। बेटर है वहाँ पे आप एक नैपकिन भी लगा के सो सकते हैं, बढ़िया रहता है। और यदि आप कंफर्टेबल इसमें होना चाहते हैं तो जब घुटना है उसके नीचे एक हल्का सा लगभग 1 से 1.5 किलो अर्थात 4 से 5 इंच का एक पिलो यदि आप पैर के नीचे लगाते हैं तो दैट गिव्स यू वेरी रिलैक्सेशन ऑन योर लोअर बैक।
कुछ लोग उल्टा भी सोते हैं, पेट के बल भी सोते हैं, तो उसमें एक ईगल पोज जिसे हम कहते हैं कि फेस एक साइड में हो, या फिर हम इसे बेटर तरीके से इन्फॉर्म करें कि एक चाइल्ड पोज जिसे कहते हैं कि फेस एक तरफ हो और उसी तरफ आपका एक पैर बैंड होगा, नी आगे की तरफ और हाथ आगे की तरफ रहेगा ऊपर की तरफ, तो ये पोजिशन भी बहुत कम्फर्टेबल होती है जिसमें आपका पेट थोड़ा सा साइड में हो जाता है, फेस एक तरफ रहता है, दैट इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल इफ़ यू आर रियली कम्फर्टेबल इन दिस पोजिशन। तो तीनों पोजिशन में सोने का तरीका आपका अलग अलग होता है। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके टमी को बढ़ने मत दीजिए, उसको लैक्स मत होने दीजिए, उसके लिए एब्डोमिन की एक्सरसाइज आप ज़रूर से कीजिए, बिकॉज एब्डोमिन यदि आपका टाइट है, मतलब आप मान के चलिए एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग हैं, आपके स्पाइन के मसल्स सामने के भी स्ट्रांग हो जाते हैं उससे, और बैक इसके बाद भी स्ट्रांग होता है, तो स्पेसिफिकली आपका जो कोर है, जो लोअर बैक है, एब्डोमिन है, साइड एब्डोमिन है, इसको आप स्ट्रांग करने के लिए इसके लिए एक्सरसाइज रेगुलरली करें, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एक प्रॉपरली डिज़ाइन प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड वे में जो एक्सरसाइज है वो रेगुलर होना चाहिए, जो कि एब्डोमिन बैक और कोर को कवर करे। इसके साथ ही बॉडी के दूसरे हिस्से को भी आप बैलेंस वे में एक्सरसाइज जरूर करें, और कोशिश कीजिए कि नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, अर्थात बहुत जंपिंग थंपिंग और झटकेदार वाली कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्मूथली स्लोली जो भी एक्सरसाइजेस हैं उसको फॉलो करें, जिसमें सॉफ्ट डांस हो सकता है, एरोबिक्स हो सकता है, सॉफ्ट जॉगिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो, और राइड्स जो होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उसमें जर्की राइड्स नहीं होने चाहिए, बहुत हैवी लिफ्टिंग के बजाय आप ग्रेजुअल एक्सरसाइज कर सकते हैं, और साथ ही सूर्य नमस्कार, योगा जैसी एक्सरसाइजेस आपको इसमें काफ़ी अच्छे से हेल्प करती है। सो गतिशील होना ही जीवन का नाम है, और जीवन ही गतिशीलता का नाम है, तो आइए अपने जीवन को हम गतिशील बनाएं, और जोड़ों, हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखें, क्योंकि यदि ये स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने किडनी, लिवर, लंग्स, पाचन तंत्र सबको स्वस्थ रख सकते हैं, अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, तो अपने हाथ पैर, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखिए, उनको बहुत हेल्दी रखिए और लाइफ टाइम हेल्दी रहिए। थैंक्स अ लॉट, आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे बहुत सारे हेल्थ टिप्स, हेल्थ लेक्चर, हेल्थ अवेयरनेस टॉक्स आपके पास आते रहेंगे, आप ज़रूर से हमारे YouTube चैनल ऑर्थो जॉइंट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं उसके लिए आप एक्टिव रहें, ताकि हम आपको आगे से इन्फॉर्म कर सकें। इसके अलावा भी यदि आपको कोई सलाह लेनी है तो आप हमारे नंबर्स पे, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके सजेशंस ले सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि आप पर्सनली हमारे सेंटर में आके परामर्श लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।